देखो भाई, ये मेरी मोटर है, ठीक है, और इसके अंदर तीन बाइंडिंग होती हैं, और प्रत्येक बाइंडिंग के कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं, ठीक है। ये मेरी एक बाइंडिंग है, इसके दो सिरे होंगे, और वो सिरे कहीं पे भी हो सकते हैं, इधर उधर कहीं पे, बस आपको ढूंढना होता है। ढूंढोगे कैसे कि उसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे। अगर ये मेरा एक वन सिरा यू वन है तो ये दूसरा यू टू होगा, ठीक है। और ये बाइंडिंग किस तरीके से डरी होती है, जैसे आपकी ये एक बाइंडिंग हो गई, ठीक है, ये इसका दूसरा सिरा हो गया, ठीक। एक बाइंडिंग आपकी ये है, एक ये हो गई, ठीक है। एक बाइंडिंग ये है आपकी, और एक ये बाइंडिंग हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस तरीके से आपकी निकली होंगी वहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर, मोटर के ऊपर आपको एक टीपी दे रखी होगी, टर्मिनल प्लेट जैसे बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इसमें कुछ सिरे भी दे रखे होंगे आपके, यू वन, वी वन, डब्लू वन, डब्लू टू, यू टू और वी टू। हो सकता है ये सिरे कुछ डिफरेंस भी दे रखे हों, ए वन बी वन करके, या सी टू वी टू करके, जो भी दे रखा हो, ठीक है। बट प्रत्येक बाइंडिंग के आपको दो सिरे ही पकड़ने हैं बस, ठीक है। एक बाइंडिंग के दो सिरे पकड़ने हैं, कोई सी भी, किसी भी बाइंडिंग के पकड़ लो, ठीक है। अगर मैंने ये वाली बाइंडिंग है मेरी, ये अगर मैंने इसका एक सिरा यू वन दे दिया है, तो दूसरा सिरा कौन सा दूंगा मैं इसका? यू टू इसका दूसरा सिरा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी दूसरी बाइंडिंग है एक, अगर इसका मैंने एक सिरा वी वन दे दिया है, तो दूसरा क्या होगा इसका? दूसरा सिरा इसका वी टू होगा, ठीक है। और ऐसे ही आपकी ये तीसरी बाइंडिंग है, अगर इसका एक सिरा मैंने डब्लू वन दे दिया है, तो तीसरा मेरा डब्लू टू होगा। बस दो बाइंडिंग आपको ढूंढनी है, बाकी तीसरी तो अपने आप मिल ही जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। अब आते हैं इसके कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो, इसमें दो तरह के कनेक्शन होते हैं आपके, स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ठीक है। मोटर को चलाने के लिए एक स्टार में होते हैं और दूसरे डेल्टा में होते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टार में ये कनेक्शन मेरे इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये मेरे स्टार में होते हैं। स्टार में क्या होता है कि स्टार में जो मेरी लाइन वोल्टेज होती है ना, ये मेरी लाइन वोल्टेज होती है 415 वोल्टेज होते हैं मेरे लाइन वोल्टेज। तो जो स्टार में वोल्टेज अप्लाई होता है ना, वो मेरा लाइन वोल्टेज का 1/√3 वोल्टेज पे अप्लाई होता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज का करंट सेम रहता है, करंट डिफरेंस नहीं होता, बस वोल्टेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। इस पर जो वोल्टेज अप्लाई होता है आपका स्टार में, वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 वोल्टेज अप्लाई होता है, करके देख लेना फ़ोन से, ठीक है। जो स्टार कनेक्शन होते हैं मेरे, ठीक है, इसलिए मेरी मोटर पहले स्लो चलती है। और डेल्टा क्या होता है, ये मेरा डेल्टा होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ आर दे दिया भाई बी। इसमें प्रत्येक बाइंडिंग को मेरे डबल फेस मिलते हैं, यहाँ से भी चले जाओ, इस बाइंडिंग को ये आर आ रहा है, यहाँ से ये बाई मिल रहा है, यहाँ से आर मिल रहा है, यहाँ से बाई मिल रहा है, और यहाँ से बाई मिल रहा है, और यहाँ से बी मिल रहा है। यानी जो प्रत्येक बाइंडिंग होगी ये मेरी, इसको मेरा आर और वाई दो फेस मिल रहे होंगे इसमें मेरे, जब इसमें मेरा लाइन वोल्टेज अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है आपका, इसमें फेस वोल्टेज का √3 होता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेस √3, ये वोल्टेज इसमें अप्लाई होता है आपका, करके देख लेना, ठीक है। ये इस तरह के आपके कनेक्शन होते हैं दो तरीके से। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे कोई भी, फिर इसके डायग्राम पे चलें। हाँ, प्रत्येक बाइंडिंग होगी ना आपकी, इसमें जो होगा आपका, देखो एक बाइंडिंग मेरी ये आएगी, एक ये आएगी, ठीक है। यहाँ से आर मिल रहा है, इसमें तो मेरा थ्री सिंगल फेस अप्लाई हो रहा है, लाइन वोल्टेज का 1/√3 करके देख लो, सिंगल फेस वोल्टेज आएगा, ठीक है। और इसमें मेरा प्रत्येक बाइंडिंग को ये डबल फेस मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। और इसको, क्योंकि इस पर यहाँ से आर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया, इसका मान जीरो हो गया, ये न्यूट्रल हो गया यहाँ पे। अगर इसके और इसके बीच में मैं वोल्टेज चेक करूँगा, तो मेरा सिंगल फेस वोल्टेज अप्लाई होगा इसके, ठीक। और
और उसको लिमिट डबल होता है, इसमें मेरा डबल होगा, यहाँ से आर मिल रहा है लेकिन यहाँ पे आके इसको बी मिल रहा है इस तरह इस बाइंडिंग को। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब डायग्राम पे चलें। देखो भैया, तीन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मेरे, ठीक है, एक मेरा मैन होता है, एक डेल्टा, एक स्टार, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टीपी बना दी भैया आपकी मोटर की, ठीक है, ये सिरे आपके यहाँ पे दे रखे हैं, अगर आपकी मोटर पे कहीं पे भी टीपी ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है ना, और वायर नहीं जुड़े हुए हैं, तो एक बात ध्यान रखना, ये इसी तरीके से मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका यू वन इसके बिल्कुल सामने दे दिया गया हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। किसी भी मोटर के उस पर आप देख लेना टर्मिनल प्लेट पर, ये आपको हमेशा ये तिरछे ही मिलेंगे, क्योंकि जब अगर मैंने ऐसे कर दिया ना और कनेक्शन करते समय, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो भैया, फेस सीक्वेंस से चलना है एकदम, ठीक है। ये आर दे दिया मैंने, ये आर आ गया, यहाँ पे बाई की जगह मैं ब्लैक यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, मैं सीधी यहाँ से ये दे दूँगा ऐसे, इसमें चेंजिंग होती है वो चीज़ देखना आप, कहाँ पे चेंजिंग हो रही है। ये आर वाई भी दे दिया मैंने इसे, ठीक है। अब आते हैं डेल्टा पे, आ रही है चेंजिंग नहीं हो रही ये बताओ। ये होता है भाई आपका पावर डायग्राम। स्टार शॉर्ट कर दिया मैंने वहाँ पे शॉर्ट कर तो दिया, यहाँ पे शॉर्ट करने जो तो नहीं है मुझे, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले आपका स्टार वोल्टेज अप्लाई होगा, उसके बाद सीधा फिर डेल्टा अप्लाई होगा। डेल्टा में क्या मैंने बताया था आपको, डेल्टा में 415 वोल्टेज एक बाइंडिंग को मेरी को अप्लाई होते हैं। हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखो पहले भाई हो रहे हैं ना। यहाँ मैंने यू वन को रेड दे रखा है और यहाँ पर कौन सा दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैंने बी वन को वाई दे रखा है, यहाँ पर बी टू को बी दे रखा है। यहाँ पे इस कनेक्शन का थोड़ा आपको बस ध्यान देना पड़ेगा बस। अगर आपने ऐसा कर दिया ना कि यहाँ पे भी आपने इसे रेड दे दिया और इसको भी यहाँ पे भी रेड दे दिया, सो मोटर गई समझ लो, ठीक। और स्टार की पहचान आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये मेरा स्टार बन रहा है ऊपर, तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट होके वहाँ पर उसका मान जीरो हो जाता है। कौन सी वाली, ये अगर इधर उधर करते हैं तो जलेगी नहीं? क्यों नहीं चलेगी भाई, मोटर नहीं चलेगी। अब मैंने इसे यहाँ पे भी यू वन को रेड दे दिया, यू वन को यहाँ पे भी रेड दे दिया जी,
और यू टू को भी रेड दे दिया, तो जलेगी नहीं। क्यों? वो अगर उसको ब्लैक मतलब ये बताओ, अगर ये है ना, ये इधर से आ रही है तीनों, इसको अगर ये दो पंप अगर चेंज करते हैं तो मोटर की जो चेंज हो जाती है, तो जैसे वो मोटर की रिवर्सिंग हो जाएगी ना भाई, वो मोटर की रिवर्सिंग हो जाएगी ना, रिवर्सिंग हो जाएगी, जलेगी नहीं। वो जो बोल रहे हैं ना वो भी ठीक है, तुम बोल रहे हो वो भी ठीक है, दोनों बीच में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि भाई जैसे हमारे तीन कॉयल होती हैं, इसके अंदर तीन कॉयल हैं जी, तो तीनों कॉयलों को मतलब डबल डबल फेस होना चाहिए, मतलब दोनों उसके दोनों साइड पर अलग अलग फेस होना चाहिए। जैसे एक कॉयल में तुमने क्या कर दिया ना, आर यहाँ दे दिया, आर यहाँ दे दिया, ठीक है, तो वो कॉयल क्या होगी, वो डेड होगी कॉयल, उसमें कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर दोनों साइड में उस कॉयल के एंड पे एक में आर दिया तो एक में बी दिया, हाँ, जैसे कॉयल है ये हमारी कॉयल है, ठीक है, इसमें भी आर दे दिया, इसमें भी आर दे दिया, तो क्या होगा, इस कॉयल में रिएक्शन नहीं होगा, बीच में तो कुछ और जा ही नहीं रहा है ना, दोनों साइड आर है, और बाकी कॉइलों में आपने दोनों फेस से ले गए, ठीक है। अभी देखो तीन कॉइल बना लेते हैं, ये तीन कॉइल बना ली, आर तो हमारा हो गया वाई और बी, इसमें बी और वाई, ठीक है, फेस तो तुम्हारे जो भी दो दो चार दो छ, ठीक है, छह ही तारे इधर जा रहे थे, छह ही यूज हो गए, बट यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, क्या होगा, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो क्या होगा, वो वाली जलेगी ना, पीछे से जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है ना उसमें भाई, वो वोल्टेज कहाँ जाएगी फिर, इसमें क्या होगा कि देखो ये दोनों तो घूमेंगी भाई, मोटर प्रॉपरली घूमेगी, बट इसमें कुछ रिएक्शन नहीं होगा, तो एक साइड में जो मैग्नेट होगा ना वो बनेगा ही नहीं, एक कॉइल पर मैग्नेट ही नहीं बनेगा, अगर मैग्नेट ही नहीं बना तो भाई जी पहले तीन लोग ताकत लगा रहे थे, अब दो लोगों को लगानी पड़ेगी, तो भाई दो लोग गर्म होगी मोटर, ठीक हो जाएगी, चल जाएगी थोड़ी देर, ठीक है, तो ये जो इसने बताया ना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर ऐसा होता है रिवर्स मैंने क्या बोला, ये कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो, उस कंडीशन में रिवर्स फॉरवर्ड उसको कर सकते हैं, वो रिवर्स फॉरवर्ड वाले सिस्टम बता रहे हो आप, वो रिवर्स फॉरवर्ड जो तुम इसका जो कॉन्टैक्टर का पावर डायग्राम देखोगे ना, वो रिवर्स फॉरवर्ड वाला उसी तरह होता है, उसमें बताएंगे रिवर्स फॉरवर्ड में बता देंगे। कंडीशन भाई मैंने क्या बोला कि तीन कॉइल है, कॉइल नंबर 1, 2, 3 हमारी, उसमें तीन कॉइल होती हैं, अगर ये कंडीशन हो जाती है जो सामने आप देख रहे हो, तो क्या होगा, इस कॉइल में भी भाई डबल फेस तो जा रही है, इसमें भी डबल जा रही है, ये दोनों प्रॉपर रिएक्ट करेंगी, बट ये रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो ये समझो कि एक पीछे से हमारा फेस लॉस हो गया है, वो वाला रिएक्शन यहाँ पे आ गया। सर जोड़ तो आ रहा नहीं रहा, बट पॉइंट चेंज हो जा रहा है। हाँ नहीं, इसको क्या करते हैं, जो इसने किया है उसने ऐसे ही तो किया है, ऐसे ही तो करते हैं, तो ये सब जरूरी है चेक करना, अगर आपकी मोटर जल गई, इसने फूंक दी ना मोटर कनेक्शन करते टाइम, ये समझो उसने ये वाला गड़बड़ कर दिया सब कुछ, ठीक है। रिवर्स घुमाने के लिए तो भाई उसमें भी क्या होगा कि दो हर कॉइल को दो ही फेस मिलेंगे, पहले इसको आर मिल रहा था, आर की जगह वाई दे दिया, इसको वाई की जगह आर दे दिया, मतलब इन दोनों में जो फेस मिल रहे थे वो हमने चेंज कर दिए, मतलब किसी भी एक कॉइल का फेस चेंज हो गया तो चल जाएगी वो, बट अगर ये कंडीशन हो गई है एक कॉइल को सेम फेस दे दिया तो गई है। ठीक है, कुछ और पूछना, चलो गया, हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये इसका फोटो वोटो खींचना तो खींचो। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।